हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत मजे में होंगे। मैं भी बहुत मजे में हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वेलकम है आपका, और मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स को वेलकम बैक। तो आप सोचोगे आज मैं ऐसे क्यों आई हूँ वीडियो बनाने, नो मेकअप नथिंग, और ये एक बहुत ही रॉ वीडियो में शूट कर रही हूँ विदाउट एनी फिल्टर, विदाउट एनी एडिट, क्योंकि ये ब्यूटी वीडियो नहीं है। आज मैं अपने बालों को ट्रिम करने वाली हूँ। हमें अपने बालों को एवरी 3 मंथ्स में थोड़ा सा ट्रिम करना चाहिए, जिससे हमारे जो नीचे के डैमेज्ड एरियाज होते हैं या हमारे स्प्लिट एंड्स होते हैं वो जो है उससे खत्म हो जाते हैं। बट क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि अगर हम हर 3 मंथ्स में ट्रिमिंग करेंगे तो हमारी जो लेंथ है वो कम हो जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एवरी 3 मंथ्स में ट्रिमिंग करने से लेंथ जो है और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो आपके डैमेज्ड एरिया होता है, जो नीचे का डैमेज्ड पार्ट होता है, वो आप निकाल देते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ जो है वो होती रहती है और ग्रोथ जो है वो रुकती नहीं है। वैसे मैं आपको इतना बता रही हूँ, पर मैंने भी कभी भी ट्रिमिंग ऐसे नहीं की है कि मैं आपको बोलूँ कि हाँ मैं हर 3 महीने में ट्रिमिंग करती हूँ। मैंने लास्ट हेयर कट लिया था जब मैंने अपने बालों में स्मूदनिंग कराई थी। कब कराई थी? 2019 में जब स्मूदनिंग कराई थी तभी हेयर कट हुआ था। उसके बाद आज तक ना तो कोई ट्रिमिंग हुई है ना हेयर कट, कुछ भी नहीं कराया बालों के साथ। हाँ, हेयर मास्क वगैरह अप्लाई करती हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। तो मैंने सोचा मेरे बहुत ज्यादा डैमेज बाल हो रहे हैं, एकदम डैमेज हो गए हैं मेरे एंड्स जो हैं, बहुत ज्यादा स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं, और स्मूदिंग के बाद जो डैमेज हो जाता है वो सारा डैमेज हो रहा है बालों में मेरे। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना खुद से ही अपने नीचे के पोर्शन जो है ट्रिम कर लेती हूँ, क्योंकि मैं एक हेयर कट प्लान कर रही हूँ, पर मुझे अभी तक बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि मैं कौन सा हेयर कट कराऊँ। मैं वैसे सोच रही हूँ कि मेरे कर्ल्स जैसे ये वापस आ रहे हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो ये मेरे कर्ल्स वापस आ रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ इतना जो है जो मेरे स्ट्रेट एंड पोर्शन है इन्हें कटवा लूँ। बट ना क्योंकि इतनी लंबी लेंथ चली जाएगी, वो सोच के बड़ा दिल दुख रहा है, इसलिए ये हेयर कट का डिसीजन मैं ले नहीं पा रही हूँ। और मैंने आज सोचा कि हेयर कट जब होगा तब होगा, क्योंकि मैं तो ऐसे टालती जा रही हूँ, तो इट्स बेटर कि मैं कम से कम जो मेरी ये डैमेज पोर्शन है मेरे बालों का, जो मेरे स्प्लिट एंड्स हैं, एटलीस्ट उसे तो मैं खत्म करूँ। तो मैं अभी ट्रिमिंग करने वाली हूँ अपने बालों की, और मैं ऐसी इसलिए हूँ, मैंने बिना बिल्कुल मेकअप के इसलिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा रेस्ट दे रही थी अपनी स्किन को। मेरी स्किन पे थोड़े से ब्रेकआउट्स हो रहे हैं ज़्यादा, अगर आप देखें तो देखिए ये मेरे यहाँ पे थोड़े से एक्ने यहाँ थे, और यहाँ पे था, ये अभी रेड है, ये तो ड्राई हो गए हैं सारे, और ये भी ड्राई हो गया है, बट इतना नहीं है, अभी थोड़ा रेड है, ये वाला भी थोड़ा रेड है, तो मैं थोड़ा, और इधर एक है जो ड्राई हो गया है, तो अभी इसी की वजह से मैं थोड़ा ब्रेक दे रही हूँ अपनी स्किन को मेकअप और किसी भी प्रोडक्ट से, क्योंकि वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेकअप और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स अप्लाई करने पड़ते हैं। वैसे मुझे ये मेकअप से नहीं, मुझे ये पहले से ही एक्ने हो रहे थे, ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम हो रही है मुझे एक मेडिसिन की वजह से जो मैंने ली थी, और मुझे अचानक से बहुत सारे ब्रेकआउट्स हो गए थे, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। अब तो काफ़ी हद तक कम हो गए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो मैं इसलिए कोई और प्रोडक्ट लगा के भी नहीं चाहती कि ये एकदम से और ज़्यादा हो जाए, तो थोड़ा रेस्ट देने के लिए मैं इसे बिल्कुल रॉ वीडियो बना रही हूँ। और वैसे भी ये मेकअप वीडियो है नहीं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेकअप में ही बैठें, ये एक हेयर कट वीडियो है। तो चलिए अपना हेयर कट करना स्टार्ट करते हैं। तो इस हेयर ट्रिम के लिए आपको चाहिए 3 चीज़ें, और वो 3 चीज़ें हैं ये, एक कॉम, एक सीजर और कुछ हेयर रबर बैंड्स, कोई भी रबर बैंड्स जो भी आपके पास हो आप वो यूज़ कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कैसे करती हूँ मैं अपनी हेयर कट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने बालों को कॉम कर लेना है अच्छे से, और आपको मिड पार्टीशन करके इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना है अपने सारे बालों को। तो मैं जल्दी से इक्वल हाफ में डिवाइड कर लेती हूँ मिड पार्ट करके, जैसे ये नोज की एकदम आपको स्ट्रेट ले जाना है, और आपको ये देखिए एग्जैक्ट ऐसे मिड पार्टीशन करनी है, मैंने कर ली है। देखिए मेरे बाल यहाँ से सीधे हैं, यहाँ से कर्ल हैं, अजीब ही किस्म के हो रहे हैं। तो अभी पीछे से भी ऐसी कर लेंगे, ऐसे करने के बाद अब आपको पूरे बालों को पे
कॉम कर लीजिए अच्छे से अपने बालों को, देखिए। और कॉम करने के बाद मेरे बाल देखिए अजीब ही हो रहे हैं, वैसे कहीं से लेंथ कम हो रही है, कहीं से ज्यादा हो रही है, ऐसे पूरा मिड पार्टीशन करके। अब आपको क्या करना है, पूरे बालों को अपने ऐसे सेंटर में लाना है यहाँ पे, और अच्छे से नीचे तक कॉम कर लेना है दोनों साइड्स को ऐसे। और ऐसे करने के बाद अब आपको जो दोनों साइड के बाल हैं उन्हें ऐसे लाना है और सबको अपने फेस के ऐसे साइड में ला के अच्छे से फिंगर की हेल्प से एकदम टाइटली स्ट्रेट करके, थोड़े से अपने बालों को डैम्प रखिएगा, थोड़े भिगो लीजिएगा जिससे बाल एकदम स्ट्रेट हो जाएं। मैंने शैम्पू किया हुआ है तो मेरे ऑलरेडी थोड़े डैम्प हैं बाल। आपको बाल यहाँ सेंटर में लाने हैं और एक किसी भी रबर बैंड की हेल्प से इसे यहाँ पे अच्छे से टाई कर देना है। वाह क्या स्कार्फ है ना। और फिर आपको थोड़ा नीचे लाना है और यहाँ एकदम स्ट्रेट नीचे भी यहाँ पे टाई कर देना है एक और रबर बैंड से। अब जब आप ये टाई कर लेंगे तो अब आपको देखना है कि आपको कितनी लेंथ अपने बालों की काटनी है। तो अगर आप मेरे बाल देखें तो अगर आप मेरे बाल देखें तो बहुत ही मतलब साइज एकदम इक्वल नहीं है, बहुत अनइवन है। तो यहां से मेरे देखिए सबसे लेंथ यहां तक आ रही है, मेरी सबसे छोटे जो लेंथ आ रही है वो मेरी यहां आ रही है। तो मैं कोशिश करूंगी कि इतना पार्ट जो है बालों का काट दूं, क्योंकि ये वाले वैसे भी डैमेज्ड ही हैं और मेरी जो ये लेंथ है बड़े अनइवन है एकदम, देखिए कोई लंबा है कहीं से छोटे हैं। और बहुत ही एक तो वॉल्यूम ही नहीं है तो इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होगी मुझे, ज्यादा मेरे बाल नहीं जाएंगे। तो मैं यहां से ये वाले जो मेरे आ रहे हैं शॉर्ट वाले बाल, अगर देखिए कितना डैमेज दिख रहे हैं मेरे बाल एकदम स्प्लिट एंड्स और बीच में से ब्रेकेज भी हो रही है काफी, तो मैं यहां से पूरा ऐसे पकड़ के इतना सीजर से यहां से काट दूंगी। बाल काटने से पहले एक चीज ध्यान रखें कि नीचे कोई न्यूज़पेपर या कुछ बिछा लें वरना सारे में बाल हो जाएंगे और फिर बाल जितनी प्रॉब्लम इसे काटने में नहीं होगी जितनी वहां से सफाई करने में हो जाएगी। तो अब मैं क्या करूंगी, ये वाले बाल देखिए मेरे यहाँ पे ये हैं स्मॉल पोर्शन, छोटे बाल मेरे यहाँ पे हैं ये, तो मैं इतने पोर्शन अपने बालों का काट दूंगी। स्ट्रेट कर लेते हैं और थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है कुछ और ना हो जाए। चलो ट्राई करते हैं क्या जा रहा है, काटने तो है ही, इतने बाल मैं काट देती हूँ। कट गए, ओह कट तो गए एकदम स्ट्रेट हो गए एंड पोर्शंस। बस अब खोलने के बाद सही हो, तो अब मैं रबर बैंड निकाल रही हूँ। रबर बैंड निकालने के बाद मैं कॉम कर लेती हूँ वापस से। अगर देखा जाए तो यहां से मेरे बाल एकदम इक्वल लग रहे हैं और एकदम स्ट्रेट लग रहे हैं। देखिए थोड़ा पीछे होके दिखाती हूँ, एकदम स्ट्रेट, देखिए एकदम स्ट्रेट कट आया है यहां से, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मैं पीछे ऐसे बाल करके देखती हूँ कि पीछे से कैसा लग रहे हैं मेरे बाल। तो पीछे से जो है ये एकदम प्रॉपर यू शेप कट आएगी, वो भी सिंपल एक कट में, देखिए आपको प्रॉपर यू शेप कट मिल जाएगी। तो अगर आप खुद से यू शेप कट करना चाहती हैं तो एक ही बार में आप बहुत इजीली कर सकती हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है और हल्के हल्के इजी ट्रिम आप इससे कर सकती हैं। तो देखिए बिल्कुल प्रॉपर यू शेप कट आया है इससे। तो देखा आपने कितनी इजीली मैंने अपने बाल ट्रिम कर लिए। बिल्कुल ऐसे ही आप अपने बाल खुद से ट्रिम कर सकती हैं और आपको बार बार पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर आपको कोई हेयर स्टाइलिंग करनी है या फिर आप चाहती हैं कि एकदम परफेक्ट एक हेयर कट हो आपका तो ज़रूर जाइए, बट अगर एवरी 3 मंथ्स आप चाहती हैं कि नॉर्मल एक ट्रिम हो जाए ताकि आपके डैमेज या स्प्लिट एंड्स जो हैं वो चले जाएं, तो ये आप खुद से हल्के से ट्रिम कर सकती हैं अपने आप अपने घर पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और साथ में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।